हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर अमित चक्रवर्ती है। मैं हेड एंड नेक कैंसर स्पेशलिस्ट हूँ, स्पेशलिटी सर्जिकल ऑन्कोलॉजी मुंबई। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, काफ़ी पेशेंट्स हमारे पास आते हैं और काफ़ी पेशेंट ने मुझे यूट्यूब पे अपने सवाल पूछे। हम वन बाय वन उन पेशेंट्स के सवालों का जवाब देंगे एंड वी आर वेरी हैप्पी टू आंसर ऑल योर क्वेरीज। सिकंदर जी ने एक सवाल पूछा है, सर मेरे बक्कल म्यूकोसा की सर्जरी हुई है और रेडियोथेरेपी भी कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन कभी कभी फेस के बाहर का जख्म हो जाता है और ऐसा ही कुछ हो रहा है। सिकंदर जी का ये मानना है कि उन्होंने उनके बक्कल म्यूकोसा का कैंसर का ऑपरेशन करवाया है, रेडिएशन लिया है, लेकिन उनके चेहरे पर कुछ जख्म होता है, फूटता है, फिर से अपने आप वापिस दोबारा आता है, किस कारण से होता है? सिकंदर जी, हमने कुछ पेशेंट्स में देखा है जो पेशेंट रेडिएशन लेते हैं ऑपरेशन के बाद, उन पेशेंट में ये प्रॉब्लम आने का चांस होता है। इसका कारण ये है कि बीमारी वापस आया ऐसा नहीं है, वो बहुत रेयरली होता है बीमारी वापस आया। जब आपका ऑपरेशन अच्छे से हुआ है तो ये बेसिकली कुछ जो टाके आपके अंदर लिए जाते हैं वो टाके जो पिघलने की टाइम ड्यूरेशन है वो ऑलमोस्ट 360 से 365 दिन होता है, तो वो समय पर वो उस जगह पर थोड़ा सा इन्फेक्शन डेवलप हो सकता है। और जब ऐसा आपको बार बार हो रहा है तो आप एक स्कैन करवा लीजिए, पहले सीटी स्कैन में रूल आउट कर दीजिए कि आप बीमारी तो वापस नहीं आए। वो जब रूल आउट हो गया तो आप दूसरा उसमें देखिए क्या ये टाकों के वजह से हो रहा है। ये टाकों के वजह से हो रहा है तो आपका ऑपरेशन जो डॉक्टर ने किया था उन डॉक्टर से आप एक बार संपर्क करिए, वो जो टाका उधर से निकाल देंगे या हटा देंगे, आपका ये जो बार बार होने वाला प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाए। आपके भी मन में जब आपके पेशेंट के लिए ऐसा हेड नेक कैंसर के लिए कुछ डाउट रहेगा तो आप इस यूट्यूब चैनल पर क्वेश्चन कर सकते हो, हम जरूर उसे सवाल का जवाब देंगे। एंड आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।